हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बायोकॉन का शेयर, एक शेयर का बोनस देने के बाद, यानी कि 1:1 का बोनस देने के बाद फिर से चर्चाओं में, फिर से न्यूज में है ये बायोकॉन का शेयर। अगर बात करें बोनस की, तो अभी लास्ट मंथ ही जून के टाइम पे इसने बोनस दिया था और फिर से चर्चाओं का विषय क्यों बन गया ये बायोकॉन का शेयर, वो सारी चीज़ें जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। साथ में टेक्निकल और फंडामेंटल के साथ साथ रिजल्ट को भी देखते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे बोनस से। ये बोनस 25 अप्रैल को अनाउंस हुआ था, 1:1 का ये बोनस था। और यहाँ पे अगर बात करें तो 13 जून को ये इसकी रिकॉर्ड डेट थी। ये बोनस आ चुका होगा सबके पास, 1:1 का बोनस था। जिसके पास भी अगर एक शेयर होगा तो एक शेयर 10 होगा तो 10 इस तरीके से बोनस मिला होगा। प्राइस ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। और अगर आप देखोगे बायोकॉन की डिटेल, यहाँ पे फंडामेंटल्स देखोगे तो 27,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन करने वाला ये बायोटेक्नोलॉजी का फार्मास्यूटिकल शेयर, जबरदस्त शेयर मैं इसको कहूँगा। लेकिन यहाँ पे करंट प्राइस 230 के लेवल पे आ चुका है इसका। और दूसरी चीज, बुक वैल्यू 50 के आसपास है, पी रेशियो 33 के आसपास है, कंपनी के ऊपर 2400 करोड़ का डेट है। यहाँ पे बात आती है सेल्स ग्रोथ की, तो 18% की सेल्स ग्रोथ है, प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत बढ़िया है। अभी शेयर की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए आप, यहाँ पे जो मेजर प्रमोटर यहाँ पे है किरण मजूमदार शॉ जी हैं। किरण मजूमदार शॉ, इनके पास ऑलमोस्ट 39.64% की होल्डिंग है, यानी कि 47 करोड़ शेयर्स इनके पास हैं बायोकॉन के। अब ये चर्चाओं का विषय क्यों बना है वो इंपॉर्टेंट आ जाता है। जैसा कि आपने कुछ टाइम पहले वीजी सिद्धार्थ का नाम सुना होगा, अभी लेटेस्ट अपडेट चल रही है, तो वीजी सिद्धार्थ जिन्होंने अभी सुसाइड कर लिया था, अब उनके सुसाइड के पीछे कई कारण सामने आ रहे थे। कुछ ऐसा आ रहा था कि भाई इनकम टैक्स वालों ने उनका बिल्कुल पीछे लगे हुए थे और उनका जितना भी डेट था उसको क्लैरिटी कर रहे थे, उनके टैक्स जो भी बचा हुआ था उसके पीछे बिल्कुल क्लियरली लगे हुए थे इनकम टैक्स वाले। तो यहाँ पे किरण मजूमदार शॉ जी, जो कि मेजर प्रमोटर हैं बायोकॉन की, उन्होंने कुछ बयान दिया है। उन्होंने जो बयान दिया है वो काफ़ी चर्चाओं का विषय बन गया। यहाँ पे वो कह रही है कि आई वॉज टोल्ड नॉट टू से एनी सच थिंग। किरण मजूमदार शॉ जी ये कह रही कि हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कॉल आया और हमें क्लियरली कहा गया है कि भाई कुछ भी नहीं कहना इस मुद्दे पे कि हमारे ऊपर टैक्स ऑफिशियल्स का दबाव है। तो ये अभी उन्होंने रिसेंटली ये कहा है जब उनका इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ पे इन्होंने कहा ये कि वीजी सिद्धार्थ के मामले में अभी कुछ नहीं कहना, क्योंकि सीसीडी एक काफ़ी एक आजकल ये कंसर्निंग फैक्टर बन चुका है। जो वीजी सिद्धार्थ का सुसाइड का केस था, वहाँ पे उनके ऊपर जो डेट था या जो भी उनके ऊपर टोटली था, उन्होंने सुसाइड तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे दबाव, जो दबाव बताया जा रहा था कि इनकम टैक्स ऑफिशियल्स का उनके ऊपर दबाव था, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कोई ज़्यादा बोल नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पे किरण मजूमदार शॉ जी कह रही कि हमें बोलना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ है तो। और दूसरा, जो पाई जी हैं, ये देखिए इन्फोसिस के डायरेक्टर रह चुके हैं, और यहाँ पे उनका भी यही कहना है कि भैया कि स्पीकिंग टू द न्यूज़पेपर पाई सेड दैट ही एंड मजूमदार शॉ वर नॉट द ओनली वंस हैव रिसीव्ड सच कॉल। कह रहे कि हमारे पास इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कॉल्स आ रही है कि इस मुद्दे पे आप चुप ही रहें तो बहुत ही बढ़िया। और जैसा कि आपने देखा था कि पिछले कुछ टाइम में जो बजट आया था, बजट के बाद जो टैक्स बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे जो सुपर रिच है उनका टैक्स बढ़ा दिया गया है, और टैक्स बढ़ाने के बाद FII और FPI ये डायरेक्टली अपना सारा पैसा खींचे जा रहे हैं, और मार्केट पिछले एक महीने से डामाडोल हो चुकी है। उस दौरान ये बयान आने, वो भी बड़े बड़े लोगों की तरफ से, तो काफ़ी क्रूशियल हो जाता है यहाँ पे मार्केट की रिकवरी के लिए, मैं कहूँगा। और बायोकॉन का शेयर फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पे, तो देखिए जून 2019 में 206 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया था, जो कि मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा कम जरूर था, लेकिन जून 2018 के कंपैरिजन में जबरदस्त ये प्रॉफिट हुआ था। और यहीं पर अगर बायोकॉन की डिटेल देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त ये शेयर है, बढ़िया प्रॉफिट कमाया है इसने नो डाउट अब तक। अगर आप इसके टेक्निकल्स में चलें, बायोकॉन के टेक्निकल्स में, तो देखिए यहाँ पे यानी कि मार्च 2016 में शेयर मात्र 70-80 रुपये के आसपास था, वहाँ से जो इसने जंप लिया वो जंप काबिले तारीफ था। सीधे 70-80 रुपये के लेवल से सीधे 350 के लेवल तक गया था ये शेयर। वहाँ से एक ये देखिए जो गैप अप पैटर्न बना था, इस बार गिरता गिरता जो करेक्शन आया है शेयर में, उसने इस गैप अप पैटर्न के को भी तोड़ दिया, इसके सपोर्ट को भी नीचे तोड़ दिया, धकेल दिया। अब उम्मीद जताई जाती है अगर इसमें और करेक्शन आती है, मार्केट इसी तरीके से करेक्ट करता है, तो 160 के लेवल पे भी आ सकता है आने वाले टाइम में बायोकॉन का शेयर। फिलहाल बायोकॉन के अगर शेयर की बात आपने करी, तो यहाँ पे देखिए आपने देखा इस शेयर का डिविडेंड भी, देखिए डिविडेंड भी टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा डिविडेंड जरूर देता है। और बड़े शेयर होल्डर यहाँ पे रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी के भी अच्छे खासे शेयर्स है, ऑपरेनमर डेवलपिंग मार्केट फंड है, अरुण सुरेश चंद्राकर जी हैं,
ये बड़े बड़े शेयर होल्डर यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। और आपने देखा भाई बायकॉन का शेयर क्यों न्यूज़ में फिर से आ गया, इसका रीज़न है किरण मजूमदार शॉ जी और टैक्स टेररिज्म के ऊपर जो भी ये बड़े लोग यहाँ पे बयान दे रहे हैं, जो भी कहा जा रहा है कि हमें टैक्स ऑफिशियल की तरफ से कॉल आए जा रहे हैं कि वीजी सिद्धार्थ के बारे में कुछ नहीं बोलना है, वो सब की वजह से ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। चलिए वीडियो वाइंड अप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी अपनी क्या राय है यहाँ पे, जो टैक्स इनकम टैक्स बढ़ाया गया और इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है, इन सबके पीछे से जो डेट वसूली किया जा रहा है, तो आप जरूर अपनी राय बताएं कमेंट के थ्रू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।